क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। अगर आपसे आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। किस चैप्टर का? तो लाइव चैप्टर का। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर का है, इज बीइंग यूज्ड बाय देवश्री, देवश्री नाम की कोई लड़की होगी, इन द लैबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? ऐसा ग्लास, ऐसा लेंस जिसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इनलार्ज होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पास कॉनकेव लेंस है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या कभी भी कॉनकेव लेंस में इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दोनों ही केस में आपने कॉनकेव लेंस पढ़ रखा होगा या आप सिंपली बुक निकाल सकते हो, कॉनकेव लेंस में दो ही इमेज बनता है और दोनों डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। तो यहां से एक चीज तो हमें पता चलता है कि जो मैग्नीफाइंग बोल रहा है इसका मतलब ये किस बारे में बोल रहा है? कॉन्वेक्स लेंस में। लेंस आपका क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। यहां पे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को, अच्छे से सुनिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे कि उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो लेकिन वो हमें 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। नहीं समझ रहे बात को? उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस्ड करें? ऑब्जेक्ट को हमें सिंपली कहां पे प्लेस्ड करना है कि लिस्ट डिस्टेंस, हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो पढ़ पा रही है कितना पे? 25 सेंटीमीटर पे। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भी दिया हुआ है। और फोकल लेंथ के बारे में बात क्या है? मैग्नीफाइंग पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है। तो आपने अगर कॉन्वेक्स लेंस का 6th वाला फिगर देखा होगा जिसमें मैग्नीफाइंग फिगर बनता है, इमेजेस का फॉर्मेशन बनता है, तो उसके टॉपिक से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर होगा। तो चलिए बोर्ड पे थोड़ा और अच्छे से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। तो हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, या यू बोले तो नॉर्मल बोर्ड के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिंपली बताना चाहते थे कि जैसे एक ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्वेश्चन क्या है फर्स्ट में, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेंड बाय यूजिंग द ग्लास। मैग्निफिकेशन हमसे पूछा हुआ है, तो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी बाय यू। उसके लिए हमारे पास वी होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास यू होना चाहिए। अगर ये सारा का सारा हमारे पास हो गया तो फिर हम लोग तो बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे, बट उसके लिए हमें वी और यू दोनों चाहिए। देखिए क्या है, लेट अस सपोज यहां पर कोई ह्यूमन आई है, ठीक है, यहां पर कोई ह्यूमन आई है और यहां पर हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रखा है, ठीक है, इस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास है और यहां पर सिंपली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा हम लिख देते। तो क्या होता है कि जब ये इसको देखता है तो सिंपली पूछ रहा है कि ये जब इस लेंस के थ्रू जब हम लोग इसको देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। सुनो फिर से क्वेश्चन सुनो, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना मिनिमम डिस्टेंस पे देखेंगे, इसका फोकस हमें दिया हुआ है, कितना फोकस दिया हुआ था, दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो भी दिया हुआ है, वो उसको देख रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कितना पे, 25 सेंटीमीटर पे। अब आपका बस एक कंफ्यूजन होगा, सर किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे, तभी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यू क्या है, ठीक है, क्या है यू, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें तो करना होगा ना। अगर थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है ना तो एक बार फिर से पढ़, एक बार फिर से इसको मतलब फिर से स्टार्ट करो वीडियो को, तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। ये थोड़ा है कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा आपको देखने को यहां में मिलेगा, बट आपको क्या निकालना है, यू निकालना है। अब देखो क्या है, आपने एक कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रखा है इस टाइप से, जहां पर ऑब्जेक्ट को, लेट अस सपोज ये हमारा F1 होता है तो ये हमारा क्या होगा F2 होगा, तो ऑब्जेक्ट को इसके बीच में सिंपली रखा जाता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जब रखा जाता है तो ये सिंपली क्या होता है कि ये इस साइड चला जाता है ऐसे,
ठीक है, सेम यहां से क्या होगा रेज ऐसे चला जाएगा। तो ये रेज कहां होता है, आपस में इधर पे कहीं जाकर मीट करता है, देखा होगा ये सिक्स आपको देखने को मिलेगा अगर आप लाइन वाइज देखो एनसीईआरटी में, तो ये सिक्स पार्ट में ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ वी, और वी कहां पे है, लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये क्या होगा माइनस, और फोकस हमें कहां दिख रहा है राइट साइड में, और राइट साइड का वैल्यू कैसा होता है प्लस, तो ये हमारा हो गया प्लस में। अब आपको निकालना है यू, तो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला आप फटाफट से निकाल सकते हो, तो हम लोग यहां पे सिंपली लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/v - 1/u = 1/f, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, बिल्कुल सर यही होता है, डिवाइडेड बाय इतना माइनस 1/u तो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 5 है, तो प्लस 5 रख दिया, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 1/ ये 4 नहीं है, इसको आप 4 नहीं समझोगे, बहुत सारे कमेंट आता है सर आपका u ना 4 जैसा दिखाई देता है, क्या ही कर सकते हैं, तो ये u है, तो ये हो गया 1/5, ये माइनस में इधर गया तो प्लस 1/25, तो सिंपली कितना आ जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 25, तो ये हो गया 5 + 1, 5 के टेबल में 5 टाइम्स ना, तो 5 + 1, तो यहां से हमारे पास u का वैल्यू अगर सिंपली देखें तो सबसे पहले 1/u इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 6/25, तो हमें u निकालना है, तो u माइनस इधर चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 25/6, वो भी कैसे में माइनस, इतना क्या सेंटीमीटर, ये हो गया क्या हमारा, ये हमारा u का वैल्यू हुआ। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या चाहिए, नाउ दूसरे पार्ट में हमें चाहिए था मैग्निफिकेशन, है ना, मतलब इसी के पार्ट में यू हमने निकालने के बाद हमारे पास मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना था, लिखा था व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वी बाय यू, वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू अभी हमने देखा कितना है माइनस 25, और यू का वैल्यू माइनस में है, और हमें पता भी है कि यू हमेशा माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस 25/6, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो कितना आएगा 6, यानी कि 6 गुना आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका इतू सा है तो इमेज आपका इतू सा बनेगा, 6 गुना बनेगा उसका, ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, अभी खत्म नहीं हुआ यार, इसका सेकेंड पार्ट भी बाकी है, तो चलिए सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में है, सी कीप अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राई टू रीड, सी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का रीजन आपको बताना है कि क्या है, तो सिंपल फॉर्म में हम लोग बता देंगे, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर पे रखी है, और हमारा जबकि आईज का एक नॉर्मल आईज का जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो सिंपल सा रीजन होगा, इट इज बिकॉज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी इज अनेबल टू रीड द बुक, या फिर जो भी हमारे पास था, हाँ बुक ही है तो बुक हो गया, ठीक है, तो बस ये हमारा रीजन होगा, 10 सेंटीमीटर पे रखेगी तो कहां पढ़ पाएगी, धुंधला दिखाई देगा ना उसका। बी पार्ट में भी देखें तो बी पार्ट तो हमें लगता है जबरदस्ती का क्वेश्चन घुसाया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं बनता था, वही है, रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरी, हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक, गिव रीजन, अगेन वही होगा, बिकॉज लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर ही डू नॉट क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ही इज अनेबल टू रीड दैट बुक, है ना, बहुत खतरनाक इंग्लिश है हमारा, हम क्या ही बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।